हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस, महापौर दयाशंकर तिवारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने रविवार को संविधान चौक पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा बनाई गई संविधान प्रस्तावना के शिलालेख का उद्घाटन किया। संविधान प्रस्तावना का शिलालेख सत्ताधारी दल के पूर्व नेता संदीप जाधव की अवधारणा से तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया कि संविधान चौक पर लगाया गया संविधान प्रस्तावना का शिलालेख पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। आगे भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि नागपुर महानगर पालिका ने कुछ ऐसा किया है जिस पर देश को गर्व होना चाहिए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास संविधान प्रस्तावना का एक शिलालेख लगाया गया है, जो महज एक इत्तेफाक ही नहीं बल्कि एक सुवर्ण योग है। कुछ साल पहले नागपुर के अधिकारियों ने मुझसे मुलाकात की और मुझे हर कार्यालय में संविधान प्रस्तावना लगवाने के लिए अनुरोध किया। इस पर संदीप जाधव ने पहल की और संविधान चौक में संविधान प्रस्तावना का एक शिलालेख लगाने का प्रस्ताव रखा गया और कार्य को पूरा भी किया। इस सराहनीय पहल से नागपुर शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो गया है। सिलाई के काम से लेकर करोड़ों उद्योगों के सफल परिवहन तक डॉक्टर कल्पना सरोज बेरोजगारी के बारे में अच्छी तरह जानती है। इसीलिए कल्पना सरोज ग्लोबल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के मल्टी करोड़ विमान इंजन मरम्मत परियोजना से विदर्भ में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में उद्योग और व्यवसाय में कैसे टिका जा सकता है इसकी प्रेरणा मिलेगी। यह बात राज्य के ऊर्जा मंत्री और जिला पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कही। वे यहां मिहान में स्थापित होने वाली कल्पना सरोज ग्लोबल एविएशन प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में परियोजना के निदेशक डॉक्टर कल्पना सरोज, मिहान सेज विकास आयुक्त डॉक्टर वी श्रमन, कैप्टन विनय बम्बले और विमानन क्षेत्र के अन्य गणमान्य अतिथि इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉक्टर राउत ने कहा कि मिहान SEZ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना के माध्यम से विदर्भ में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। नए उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान दे रही है। कल्पना सरोज की विमानन परियोजना में जेट विमान, हेलीकॉप्टर इंजन की मरम्मत, रखरखाव, विभिन्न स्पेयर पार्ट्स की मरम्मत और पायलट प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल होंगे। 12 रबीउल अव्वल के अवसर पर निशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में किया गया। कैंप में कोविशील्ड वैक्सीन दी गई, सैकड़ों लोगों ने कैंप का लाभ उठाया। कैंप में विधायक विकास ठाकरे ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महाराष्ट्र के नवनियुक्त महासचिव अतुल कोटेचा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विकास ठाकरे ने वसीम खान के कार्य की प्रशंसा की। इस मौके पर वसीम खान ने विधायक विकास ठाकरे को अपना राजनीतिक गुरु बताया। मंच संचालक ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम ने किया। इस अवसर पर पार्षद जुल्फिकार भुट्टो, उपाध्यक्ष बाना बाकोड़ी, रवि गाड़गे, निजाम अंसारी, राजभाव चिल्लाटे, आशीष दीक्षित, स्नेहल किशोर दहीकर, रवि गौर, पवन चांदपुरकर, फिरोज खान, सागर कोरती कौरेती, सुल्तान खान, सरफराज खान, सलीम बेग, अरशद अली, दानिश अली, रिजवान खान, शाहबाज खान, नौशाद कुरैशी, अन्नू भाई, विजय साखरे, सैयद अद्दू व आदि उपस्थित थे। भारत के आजादी का अमृत महोत्सव नागपुर महानगर पालिका खादी ग्रामोद्योग एवं खासदार सांस्कृतिक क्रीड़ा महोत्सव एवं नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित झंडा गीत सामूहिक गायन ऑफिस सेवा सदन चौक सेंट्रल एवेन्यू में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष CA कैलाश जोगानी ने भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर झंडा गीत की शुरुआत की। तरुण निर्बान सचिव प्रदीप जाजू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद पसारी उपाध्यक्ष, वेणुगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष, विवेक मुरारका व वसंत पालीवाल सह सचिव, संचालक विजय जायसवाल, पुरुषोत्तम ठाकरे, शंकरलाल खंडेलवाल, नाथाभाई पटेल, देवकी नंदन खंडेलवाल, संजय पांडे, कमल कलंत्री, रविंद्र चांडक, लक्ष्मीकांत अग्रवाल, प्रशांत जग्यासी, मितेश कटारिया, योगेश पालीवाल, केतन सूचक उपस्थित थे।
कोरोना महामारी के बाद पहली बार लोगों के मनोरंजन हेतु नवरात्रि रास गरबा उत्सव मनाया गया। इसके लिए 4 से 16 अक्टूबर तक पावर गरबा शिविर द फिटनेस ओरा में लिया गया। शिविर में प्रशिक्षण का कार्य नेहा सिंह वर्मा को सौंपा गया। उन्होंने अथक प्रयास कर 3 से 4 घंटों की क्लास प्रतिदिन लेकर प्रतियोगियों को तैयार किया। प्रतियोगिता का महाअंतिम दिन महालक्ष्मी सभागृह पूर्व नागपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुखता से भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुभाष कोटेचा, स्लीम रहमान मुख्य संपादक, निर्णायक समीर कुमार उपस्थित थे। विशेष अतिथि में द फिटनेस ओरा संस्था के संचालक कुलदीप चिकाने, रुपेश चिकाने और बद्री शिवाय फिल्म प्रोडक्शन के संचालक आर्यन पांडे आयोजक के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं ली गई, जिसमें निम्न प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बेस्ट परफॉर्मेंस ओरा गरबा 2021 वैभव पांडे, बेस्ट गरबा किंग अनिल अमेसर, बेस्ट गरबा क्वीन मेघा कपूर अमेसर, बेस्ट गरबा कपल पंकज मड़के, रुचि साई खेड़े, प्रोत्साहनार्थ पुरस्कार नेहा रामड़े, सोना कपूर, शिवानी वर्घने आदि को दिया गया। स्पर्धा का संचालन एवं आभार प्रदर्शन उत्कर्ष कुमार ने किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी महानगर पालिका चुनाव के तहत संगठन मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया है। रविवार सुबह शक्ति केंद्र प्रमुखों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग रेशिमबाग स्थित स्मृति भवन में उद्घाटित किया गया। इस प्रशिक्षण वर्ग की जिम्मेदारी शहर के संपर्क प्रमुख प्रोफेसर प्रमोद पेंडके को सौंपी गई है। आज सुबह इसका उद्घाटन विदर्भ के संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर ने किया। इस अवसर पर महामंत्री रामभाव अम्बुलकर, संगठन मंत्री सुनील मित्रा, उपाध्यक्ष भोजराज डुम्बे, मंडल अध्यक्ष संजय अवचट उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण वर्ग में रोज 2 विधानसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्र प्रमुखों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत चुनाव में मतदाता लिस्ट, बूथ मतदाताओं से वोट करवाने के अलावा अनेक सूक्ष्म उपाय योजनाओं पर अमल करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर महानगर पालिका के आदेशानुसार अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद महाराष्ट्र के सौजन्य से श्रद्धानंद पेठ मेन चौराहे पर भारत माता का पूजन कर लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा का वर्णन किया गया तथा झंडा गीत रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद की अनेक रचनाओं का पठन किया गया। अग्रहरी वैश्य शिवहरे, वैश्य कसौधन, वैश्य ओमर, वैश्य अयोध्यावासी, वैश्य गहोई, वैश्य तथा श्रद्धानंद पेठ माधवनगर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता ने की। अनिल केसरवानी ने सुभाष चंद्र बोस की भूमिका अदा कर सबका मन मोहित कर लिया। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वसंत पुजारी, नाना आखरी, रामकृष्ण गुप्ता, सुरेश चंद्र गुप्ता, शंकर गुप्ता, सरोज गुप्ता, रंजना गुप्ता, अंजना गुप्ता, दुर्गा अग्रवाल ने भारत माता का पूजन किया तथा पुष्टाहार अर्पित किया। वक्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा श्यामलाल गुप्त पार्षद के जीवन पर आधारित अनेक संदेश पढ़कर सुनाए। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरण में सफल रहा। किशोर शिवहरे, कामता प्रसाद शिवहरे, अरुण गुप्ता, सुभाष गुप्ता, पुरुषोत्तम शिवहरे, राजेश गुप्ता, राजेश मनियार ने पुष्पांजलि दी। कोरोना काल में दृष्टिबाधित लोगों का जीवन बहुत कठिन था। बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न माध्यमों से उनकी मदद की। CSR फंड से नेत्रहीनों को अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की गई। पूर्व उप महाप्रबंधक प्रकाश भागवतवार ने कहा कि सफेद छड़ी नेत्रहीनों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है और यह संतोष की बात है कि हम उन्हें दे पाए। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड महाराष्ट्र विदर्भ यूनिट द्वारा अमृत भवन उत्तर अंबाजरी मार्ग में आयोजित विश्व सफेद छड़ी दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के प्रदीप गौलीकर AGM नागपुर प्रमुख रूप से उपस्थित थे, जबकि पूर्व उप महाप्रबंधक प्रकाश भागवतकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महासचिव स्वयं प्रकाश तिवारी, लॉयंस क्लब नागपुर हेरिटेज के शशिकांत वाघमारे, निरंजन बिस्ने, स्वप्निल मोंढे, प्रवीण राउत, NFBM विदर्भ के अध्यक्ष देवराम मिश्राम और महासचिव रेवाराम टेंभुर्णिकर उपस्थित थे। स्वयं प्रकाश तिवारी ने नेत्रहीनों के राहत कार्य के लिए संस्था को 21,000 रुपए का दान दिया।
मेरा संगठन सभी प्रकार की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। नेत्रहीनों के लिए इस सफेद छड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है, उन्होंने कहा। लोक पुलिस समन्वयक प्रवीण कुमार राउत ने भी सबका मार्गदर्शन किया। लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर द्वारा महानगर पालिका, खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को रविनगर चौक में सामूहिक झंडा गीत गायन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि विधायक लॉयन गिरीश व्यास, लॉयन जयप्रकाश गुप्ता, लॉयंस डिस्ट्रिक्ट 323-41 के प्रथम उप प्रांतपाल लॉयन श्रवण कुमार MJF, द्वितीय उप प्रांतपाल बलबीर सिंह विज, विधि झा, रीजन चेयरपर्सन लॉयंस क्लब नागपुर के अध्यक्ष उमेश महतो, सचिव निधिश सावरकर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में देशभक्ति पर गीतों का गायन स्थानीय कलाकारों द्वारा किया गया। ठीक 11 बजे सभी की उपस्थिति में झंडा गीत का सामूहिक गान किया गया। कार्यक्रम में लॉयन राजेश जिंदल, लॉयन रमेश जसोरे, लॉयन विनोद गुप्ता, लॉयन नितिन वर्मा, लॉयन सतीश जैन, लॉयन दीपक ज्ञान चंदानी उपस्थित थे। संचालन लॉयन सतीश जैन ने किया। आभार प्रदर्शन राजेश जिंदल ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने स्थानीय नागरिक अरुण पावड़े एवं मीडिया सॉल्यूशन की टीम ने सहयोग दिया। महाअष्टमी के पावन पर्व पर आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर में निशुल्क दांत के परीक्षण का शिविर आयोजित किया गया। नागपुर हुड़केश्वर नगर में आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर में सुगंध डेंटल क्लिनिक और मंदिर के ट्रस्टियों के सहयोग से निशुल्क दंत शिविर का आयोजन बेहद सफलता से आयोजित हुआ। सुगंध डेंटल क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर रीचा सुगंध ने बताया कि विश्व सिंधी सेवा संगम के महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रताप मोटवानी के मार्गदर्शन में निशुल्क दंत रोग जांच शिविर में 200 से ज्यादा लोगों के दांतों की जांच और उन्हें चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्षद एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संजय महाकालकर, नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वंदना रोडकर उपस्थित थे। सुगंध डेंटल क्लिनिक की ओर से संचालिका एवं नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉक्टर रीचा सुगंध तथा डॉक्टर निधि गाड़गे ने इस शिविर में जनता के मौखिक स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें दांतों के रखरखाव के विषय में बताया। गौरतलब है कि डॉक्टर सुगंध जनसेवा एवं जन स्वास्थ्य के उद्देश्य के साथ अक्सर इस तरह के शिविरों का आयोजन करती है। गुरु घासीदास सतनामी समाज मानव उत्थान ट्रस्ट द्वारा मिनी माता नगर गुरुद्वारा में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के द्वितीय सुपुत्र शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास जी के आज ही के दिन अंग्रेज सरकार द्वारा राजा बनाए जाने पर राज्य अभिषेक किया गया, जिसे संपूर्ण सतनामी समाज भारत वर्ष ने गुरु गद्दी पूजा व बाबा जी के प्रतीक चिन्ह जोड़ा सेतकाम में पालो चढ़ाकर उनके शूरवीरता गाथा को स्मरण कर विजयदशमी पर्व को शांतिपूर्ण सौहद्र से मनाया गया, जिसमें आरती वंदना पुजारी संतराम कोसरे, संतोष जोशी, मोहन टंडन, सेवती टंडन, परसु कोटले प्रमुख उपस्थिति, केंद्रीय कोषाध्यक्ष अर्जुन कुर्रे, सदस्य कृष्णा खुटेल, संदीप कोसरे, महिला अध्यक्षा सविता देशलहरे, गुरु घासीदास सत्संग परिवार के अध्यक्ष पिंटू मारखंडे, सचिव संतानु बघेल, कोषाध्यक्ष संतोष टंडन, सुनील कोसरे, धनराज बंजारे, पंचू बंजारे, राजू भारती, हरीशचंद बंजारे, अनिल कोसरे, शंकर मारखंडे, कन्हैया बंजारे, रेखचंद कुर्रे, राजेंद्र महिलांगे, मुकेश टंडन, बबलू बघेल, लक्ष्मण कोटले, पुन्नीबाई कुर्रे, मोहिनी सूर्यवंशी, सीताबाई गायकवाड़, तीजियाबाई जोशी, ममता कोसरे, कलीनबाई जोशी, रीना कोसरे, रूपा जोशी, सकून बघेल, ज्योति कोसरे समस्त समाज के सदस्यगण उपस्थित थे। समर्पण सेवा समिति द्वारा आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम नागपुर महानगर पालिका एवं खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं झंडा गीत के रचयिता श्याम लाल गुप्त के 125वें जयंती के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर झंडा गीत एवं देशभक्ति के गीत का आयोजन समर्पण सेवा समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष विधायक गिरीश व्यास एवं विधायक कृष्णा खोपड़े, महापौर
और दयाशंकर तिवारी, एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम, खादी ग्राम उद्योग के केंद्रीय सदस्य जयप्रकाश गुप्ता, नगर सेविका कांता ताई रारोकर, सचिन करारे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्था द्वारा नन्हे बाल कलाकार जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के पोशाक पहनी थी, सर्वप्रथम भारत माता की वेशभूषा, शिपाली भोजवानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आर्यन फुलझले, झांसी की रानी सृष्टि निनावे, रानी लक्ष्मीबाई, आर्लिन भोजवानी, सावित्रीबाई फुले, आलिया भोजवानी, सैनिक मिहिर जुम्मानी, चाचा नेहरू वंश जुम्मानी, रानी जीजाबाई याशिका जुम्मानी, रानी अहिल्या मुस्कान भोजवानी एवं अन्य बाल कलाकारों ने देश के वीर जवानों की पोशाक पहनकर देशभक्ति का वातावरण तैयार किया। अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच शाखा महावीर वार्ड नागपुर द्वारा युवा सामाजिक कार्यकर्ता पुलक मंच परिवार महल नागपुर के सदस्य मनोज गिल्लरकर का चयन भारतीय जनता पार्टी नागपुर के जैन प्रकोष्ठ प्रमुख पद पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, विधायक प्रवीण दटके के मार्गदर्शन में भाजपा महाराष्ट्र के जैन प्रकोष्ठ प्रमुख संदीप भंडारी ने नियुक्ति की है। मनोज गिल्लरकर ने अपनी नियुक्ति के लिए संदीप भंडारी, मनोज बंड का आभार माना। मनोज गिल्लरकर का अभिनंदन एवं सत्कार पुष्प गुच्छ, धर्म दुपट्टा, मोतियों की माला और किताब देकर पुलक मंच परिवार के कार्यालय में दिगंबर जैन युवक मंडल सैतवाल के अध्यक्ष विनय सावलकर, अखिल दिगंबर जैन सैतवाल संस्था पूर्व नागपुर के सचिव उमेश फुलंबरकर, मंच शाखा अध्यक्ष शरद मचाले, अमोल भुसारी, संजय आगरकर, रमेश उदयपुरकर, राजेंद्र पिंजरकर ने किया। मनोज गिल्लरकर ने कहा, समाज के कार्यकर्ताओं पार्टी के मुख्य धारा में जोड़ेंगे। मंडल रेल प्रबंधक नागपुर मंडल श्रीमती रूचा खरे के कुशल मार्गदर्शन में और टीम बीडीओ बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के अथक प्रयास से बीडीओ के मार्केटिंग प्रयासों से कोधानी से न्यू तिनसुकिया के लिए पहली पार्सल रैक को नागपुर मंडल रेल प्रबंधक ने रवाना किया। आज पार्सल ट्रेन में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के कच्चे और पैकिंग सामग्री का एक रैक लोड किया गया, जो गोदनी से न्यू तिनसुकिया गोदनी के बीच राउंड ट्रिप शुरू किया गया। यह पार्सल ट्रेन महीने में 2 दिन चलाई जाएगी। नागपुर मंडल को इस पार्सल ट्रेन से प्रति राउंड ट्रिप चक्कर से तकरीबन 24 लाख रुपए का राजस्व अर्जित होगा। यह निविदा 6 साल के लिए दी गई है और रेलवे को इस अवधि के लिए कुल 53 करोड़ रुपए की राजस्व आय होगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्णनाथ पाटिल, ACM कोचिंग VC थुल की BDU टीम ने रेलवे राजस्व बढ़ाने के लिए नया यातायात शुरू किया गया। महमूदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देश्य संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लोनारा नागपुर में मुख्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे का सत्कार पूर्व मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद के हाथों किया गया। कार्यक्रम में सांसद कृपाल तुमाने, अशफाक अली, डॉक्टर चांडक, रिंकू जैन, आयशा अंसारी, मुमताज भाई, शकील भाई उपस्थित थे। डॉक्टर अनीस अहमद ने अपने प्रास्ताविक भाषण में मध्य भारत के सबसे बड़े अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादक राहुल पांडे की मुख्य सूचना आयुक्त महाराष्ट्र शासन इस पद पर नियुक्ति होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पांडे विदर्भ के पहले पत्रकार है जिनकी इस पद पर नियुक्ति की गई। पत्रकार के तौर पर RTI कानून के अभ्यास पर उनका प्रभुत्व है। उनके राजकीय अभ्यास और आकलन के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल पर चर्चा सत्र के लिए उन्हें बुलाया जाता है। अनमास्किंग इंडिया नामक किताब का इन्होंने संपादन किया है। श्री पांडे ने अपने भाषण में संस्था में किए गए सत्कार के लिए डॉक्टर अनीस अहमद का शुक्रिया अदा किया। पत्रकारिता क्षेत्र के विभिन्न अनुभवों को साझा करते हुए सार्वजनिक कल्याण हेतु अनेक प्रश्नों पर काम करने की इच्छा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश विकास में अपना योगदान देना चाहता हूँ। अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर की मराठी फिल्म गम्मत जम्मत सबसे पहले विदर्भ में प्रदर्शित हुई थी। इस बेहद लोकप्रिय फिल्म के कारण मुझे सफलता का पहला स्वाद मिला था। वर्षा उसगांवकर ने अपनी यादें ताजा करते हुए कहा, जब मैं ब्रह्मचारी ड्रामा शो के लिए नागपुर आई तो लोगों ने गम्मत जम्मत की नायिका के तौर पर मुझे ऑटोग्राफ मांगा था
और इस तरह मैंने अपना पहला ऑटोग्राफ नागपुर में दिया था। शिव इवेंट्स और रजनीगंधा द्वारा कराओके शिवरंजनी द गोल्डन एरा हिट्स कार्यक्रम कवि सुरेश भट्ट हॉल रेशिमबाग में प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मराठी अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर और हिंदी अभिनेता इमरान खान के साथ सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले, विधायक मोहन माटे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद और सुरेंद्र खन्ना, कराओके फाउंडेशन के अध्यक्ष केदार सिंह रोटेले और ऑरेंज सिटी कॉलेज ऑफ सोशल वर्क शामिल थे। चंदन सिंह रोटेले मुख्य अतिथि थे। वरिष्ठ क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने वर्ल्ड कप की यादें ताजा की। नागपुर के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच मैंने यही खेला था। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ खूब संतरा भी खाया था। इमरान खान ने कार्यक्रम को शुभकामनाएं देते हुए कभी तो आसमां पे चांद निकले, जाम हो जाए, आज की शाम रजनीगंधा के नाम हो जाए, यह शेर प्रस्तुत किया। सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु और आर्थिक नुकसान का संबंधित परिवार पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए सड़क परिवहन के मुद्दे को बहुत संवेदनशील तरीके से संभालने की जरूरत है। यह विचार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और हताहतों की संख्या को कैसे रोका जाए, इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। वे यहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में महामार्ग व यातायात अपर पुलिस महासंचालक भूषण कुमार उपाध्याय, परिवहन आयुक्त डॉक्टर अविनाश ढाकने, जिला अधिकारी विमला आर, अपर पुलिस आयुक्त अश्वती दोरजे, यातायात पुलिस आयुक्त सारंग आभार, नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर डी वी पातुरकर, नेशनल हाईवे के महाव्यवस्थापक वडेट्टीवार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खंडेराव देशमुख, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नागपुर ग्रामीण बजरंग खरमाटे तथा सड़क व संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। न्यायमूर्ति सप्रे ने मार्गदर्शन देते हुए दुर्घटना नियंत्रण और हादसों में होने वाली मौतों की संख्या को कैसे कम किया जाए, इस पर ध्यान देने के निर्देश दिए। नगर पंचायत द्वारा शहर के प्रबंधन के तहत कचरा ट्रक द्वारा शहर में कचरा एकत्र किया जाता है और शहर के बाहर प्रसंस्करण केंद्र में पाया जाता है, लेकिन पिछले 3 सालों से घंटा गाड़ी पर बिना नंबर शहर में घूम रही है। ऐसे में कोई जीवित हानि हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? आरटीओ द्वारा इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। कुछ दिनों से घंटा गाड़ी भी शहर का कचरा जमा करने के लिए नहीं आ रही है। इस समय सारिणी में भी परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण अनेक घरों में कचरा सड़ रहा है। नगर पंचायत में कुही ग्राम पंचायत की झलक मिलते ही शहर की सूरत कुछ बदल गई है। कुछ सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि विभाग को स्वतंत्र अधिकारी और कर्मचारी मिल गए हैं। इसमें मुख्य रूप से घरेलू कचरा सड़क के पास सार्वजनिक स्थानों पर फेंका जा रहा था। हालांकि नगर पंचायत बनते ही आंतरिक ठोस कचरा प्रबंधन किया गया। ये वाहन शहर की सड़कों पर कूड़ा उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पुराना ठेका रद्द कर नया ठेका दिया गया, चूँकि नए ठेकेदार ने अभी तक कूड़ेदान पर नजर नहीं डाली है। चंदन पहाड़ी निवासी धीरज ढोके ने एक राजनीतिक ग्रुप पर माता दुर्गा देवी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट डालने से कोंडाली तथा कोंडाली के समीपस्थ ग्रामीण आंचल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इस आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ कोंडाली के राम सेवा समिति, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा कोंडाली थाने पहुंचकर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले धीरज ढोके के विरुद्ध कोंडाली के सहायक पुलिस निरीक्षक अजीत कदम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत पत्र पर पंचायत समिति सदस्य लता धारपुरे, बाल किशन पालीवाल, बबलू बिसेन, विशाल कालबांडे, मुन्ना सिंह सेंगर, प्रमोद धारपुरे, वैभव जयपुरकर, विनोद मुंदड़ा, विनोद चन्ने, नीलेश फरकाड़े ने शिकायत दर्ज कराई है। इस पर कोंडाली पुलिस ने भादवी की धारा 295 के तहत अपराध दर्ज किया है। रनाला ग्राम अंतर्गत
ओमनगर में ओमनगर दुर्गा उत्सव समिति द्वारा दुर्गा की उपासना के अवसर पर बच्चों व महिलाओं का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम की अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही महिलाओं व युवतियों ने मिलकर धूमधाम से गरबा खेला गया। इस बार नवरात्रि महोत्सव शासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन प्रशासन के नियमों को मद्देनजर रखकर मनाया गया। विजयादशमी पर आयोजित शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हस्ते सभी बच्चों व गरबा खेलने वाली महिलाओं को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओम नगर दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष कन्वर सिंह पंगाल, उपाध्यक्ष उदय सिंह यादव, सचिव कोविद तलेकर, सह सचिव सौमित्र नंदी, सह सचिव श्रावण केलझरकर, कोषाध्यक्ष सदाशिव पुरके, सदस्य अशोक रावत, सदस्य ज्ञानेश्वर ससानकर, राजेश पिल्ले, यशवंत आरेकर, अशोक ठाकरे, आकाश काटर पवार, प्रमोद बावनकुले, सचिन देशमुख, राजेश नायडू, रितेश दुबे समेत सामाजिक क्षेत्रों से ग्राम पंचायत के सदस्य अंकिता तलेकर, सदस्य मंगला अशोक ठाकरे, सदस्य अरविंद ताराचंद डोंगरे, वीना नंदी, पंकज नागोराव साबरे, अशोक मंथनवार, गोलू पुड़के, बबलू मिलगिलवार, खुशबू केलझरकर, गोपाल राव फुलबांदे, शुभम ठाकरे, लोकेश बावनकुले, राजश्री अमृतकर आदि गणमान्यों ने अपना सहयोग प्रदान कर सहयोग किया। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।